सुनना पसंद करती है ना जो इसके ढंग है। अब फरमानी को उसके चैनल पर सुनना पसंद करें तो लोग ज़्यादा सिलाई करते तो कम पैसा आ सकता है। एक बात और देखिए, मैं जैसे YouTube पे मैं वीडियो डालता हूँ, अगर मैंने थोड़ी बहुत भी लड़ाई अगर मजाक में करी ना तो डॉलर येलो कर देती है, मतलब ये ऐसे होता है, क्या चक्कर रहता है वो? ये जो चक्कर होता है, अगर हमारा कोई सांप्रदायिक बात हम किसी पे से करते हैं जिससे किसी को ठेस पहुँचती है दिल पे, तो उस पर लोग गलत कमेंट करके उस पर बन जाता है, तो उसके विषय लोग कितने रहते हैं। अभी क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा कि टेक्निकल चीज बहुत बंदों को नहीं पता, बहुत से यूट्यूबरों को, मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी ना मैंने एक चैलेंज दिया था, मैं कह रहा दो लड़कों को नए पकड़ दो, मतलब कि मस्ती करते हैं ऐसे, तो मैंने उसमें लिख दिया टू ब्रदर्स फाइट, ठीक है ना, वो लड़ाई ना कुछ और, तो उसमें क्या करा उसी टाइम के ऊपर येलो कर दिया। हाँ, टाइटल से हो जाता है, टाइटल से होता है, टाइटल अगर लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ होगी अगर सोशल मीडिया पे, तो उस पर कॉपीराइट आएगा, तो उसके स्टार्टिंग होते ही उस पर लिख दो कि इससे हमें कोई वो नहीं है ना, इसमें इसकी है, लोग उन्हें लिख नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से याद होता है, अगर लिख दे तो ना हो पाए। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है कि, और बहुत बंदों के लिए ज़रूरी है। बात तो मैं फरमानी जी से कर रहा था, लेकिन टॉपिक कहीं और चला गया। इसका रीज़न ये कि टेक्निकल जो चीज़ है उनके प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं जैसे कि इन्होंने गाया कि देन उसके बाद सोशल मीडिया में अपलोड होता है, फिर उसको कंटिन्यू रखना वो सबसे बड़ी बात है, चैनल को रोक के रखना ना, स्ट्राइक मारना, मतलब कि और पंगेबाजी भी होते हैं, तो दुनिया चाहती है कि यार इनका चैनल हम साइड कर दें, ऐसे कुछ होती ना ऐसी चीजें। हाँ, तो चैनल एक बार हैक भी हो गया था हमारा, 3 मिलियन सब्सक्राइबर के 3-4 दिन के लिए। अच्छा, उसके लिए फिर रिपोर्ट कर दी, बहुत चीजें करी, तो चैनल तुरंत वापस आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा अकाउंट नंबर चेंज कर दिया था जिसमें उसको हैक किया था। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब कि अकाउंट नंबर मतलब ऐसा एडसेंस अकाउंट चेंज कर दिया था। अच्छा, एडसेंस में जाके वो कर दिया उन्होंने, देखो ऐसा खोला तो फिर डिसेबल ही हो गया, तो फिर उसके लिए दूसरा अकाउंट बनाया, उसे डर बहुत हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, ईमेल आईडी वो सो मत ना करो जो उसकी आप लोगों के साथ, ईमेल आईडी और पासवर्ड और फोन नंबर भी कोई ऐसा अलग से रखो अपना जिसको हम किसी दोस्त से बात ना करें, क्योंकि फोन नंबर को भी हैक करके चैनल हैक किया जा सकता है, क्योंकि उस पर पासवर्ड या फोन वो आता है तो पता नहीं चल पाता कि हमारे पास कब आ रहा है मैसेज, वो मैसेज ऑटोमेटिक लोगों के पास पहुँच जाता है, तो ऐसा कोई नंबर हो जिसका हम यूज़ ना करते हो, फोन नंबर भी और ईमेल आईडी भी, जो किसी को दर्शाते ना हो, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर नहीं हैक होगा। भाई ये बहुत बड़ी बात है, देखो आजकल ब्लॉगिंग वाले चैनल बना रहे हैं, हर घर में चीज़ें बन रही हैं, तो ये चीज़ बहुत सीखने की है आपको, क्योंकि ये बात आपको शायद कोई नहीं बताया, जिस भाई ने अपने राहुल भाई ने बताई है टेक्निकल दो चीज़ें, और अपने चैनल को सेव करने के लिए वो जो नंबर है वो भी आप कहीं पर शेयर ना करें, और जो उसकी जीमेल आईडी है वो भी शेयर ना करें, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो आपका चैनल हैक हुआ था ना? हाँ, 3 मिलियन के ऊपर फरमानी जी का इनका चैनल हैक हो गया था, भाई इतना बड़ा चैनल, ठीक है, तो आपका चैनल जब हैक हुआ तो कैसा लगा आपको? बहुत परेशान थे, पूरी टीम इतने परेशान थे, रोटी भी नहीं खाई, रोटी खाई के रोटी भाएगी नहीं अगर ऐसी कंडीशन आ जाती तो, मतलब की सावधान रहिए, इस तरह रहिए, देखते रहिए, सावधान इंडिया का वो सीन होगा, लेकिन यार इतना बड़ा चैनल किसी का चल जाना 3 मिलियन बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि किसी के 1000 सब्सक्राइबर होते ना वही बंदा बहुत मेहनत करता है, ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और यहाँ तक तब ये पहुँचे, तो टेक्निकल चीज़ें बात होगी वो भी मस्ट इम्पॉर्टेंट था, और वो टेक्निकल बातें बताने वाला राहुल भाई था, क्योंकि अकाउंट हैंडल करना, ये चीज़ मैनेज करना उस भाई को अच्छे से आता है, तो मैं ये बोलूँगा नेक्स्ट टाइम अगर किसी को कुछ टिप्स करने लेने हो ना तो राहुल भाई को परेशान करें, इनका नंबर तो मैं नहीं डालूंगा सोशल मीडिया में। राहुल भाई क्या बोलना चाहोगे यूट्यूबरों को? यही, अगर कोई दिक्कत है तो हमारी मेल आईडी है, ज़्यादा तो खैर है नहीं, पर लेकिन जो लोग छोटे हैं जो समझ नहीं पाते उनके लिए हम बताते भी हैं, कोई पूछता है बताने के लिए को मना नहीं करते, तो अपनी मेहनत करे और दूसरा उसको फल पाए तो गलत चीज़ है, तो जो चीज़ें हैं अगर दूसरा चाहेगा हमारी मेल आईडी पे मेल करें, इंस्टाग्राम पे कमेंट करें, तो हम उसको बता देंगे, देख लो भाई बता देंगे, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, पैसे उसे तो नहीं मिला भाई, नहीं कोई भाईचारे में। और एक बात और बोलता हूँ मैं कि भाई मैं कई जगह मैंने कॉल भी की है, बात भी हुई थी इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे इनके साथ मेरे कोई पैसे की बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू भाई, ठीक है, नहीं लेना नहीं देना, और नहीं वो एटीट्यूड वाली नहीं बात हो रही, नहीं घमंड वाली बात हो रही, ठीक है, तो मतलब कि जब बंदे पास तुम जाते हो या मिलते हो तो पता लगता है, ऐसे दूर से आप मत बोलिया करो कि फरमानी में घमंडा रहा, मेरे को नहीं लगा लगता, हाँ हाँ सुनने में आया कि फरमानी घमंड, हाँ मतलब एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया, घमंड बोले तो ईगो एटीट्यूड आ गया,
ये घमंड पता है किसने बोला, हमारे लैंग्वेज में आ गया घरे घमंडी अभी परमानी। तो मेरा ये बोलना कि नहीं यार घमंडाड़ी तो नहीं लगती, बाकी भाई एक बार जाए थे और मिलने तब पता लग गया, वैसे किसी को जज मत किया करो आप। तो आप कुछ आगे क्या कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो? तो मतलब की अगर उसकी दो लाइन के लिए बोलूँ तो वो आप नहीं अभी लिरिक्स तुम्हारे बारे में अगर आपकी देखो सुनो आपकी मर्जी है ना, तो फरमानी जी अगर आपका हुक्म हो तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा मतलब कि एक दो लाइन हो जाए बस, आके कर ले भाई कैमरा भी कोई नहीं। रिश्तेदार बीमारे टोक जिन काटी नहीं भरे जा, मर देख देख जी फुकरा से ऊपर दह दुखे कले जा, ले रतन खा 60,000 बलम नोटा ने छापे से, किया जी फॉर्चुनर ले लो ने आल्टो छोटी लागे से, पिया जी फॉर्चुनर ले लो ने आल्टो छोटी लागे से। वाह भाई वाह, मतलब की आल्टो छोटी लागे, पिया जी फॉर्चुनर ले लो ने ब्रेजा भी आगे बीच में भाई, और फॉर्चुनर ना एक मर्द गाड़ी की वो प्रेजेंट करा अपने अपना फॉर्चुनर बहुत तगड़ी तगड़ी आ रही है, तो फॉर्चुनर वालों तुम्हारे ये गाना बना रही है इतनी फेमस इंटरनेट सेंसेशन, इसको गाड़ी तो स्पॉन्सर करो कम से कम। तो फॉर्चुनर को क्या करना है, फॉर्चुनर फोर्ड की गाड़ी है, कौन सी कंपनी की है? फोर्ड कंपनी है, तुमसे बोल रहा मैं ठीक है यार, रखिए यार टोयोटा की है, सॉरी टोयोटा की है, और तुम्हारी गाड़ी के लिए यार एक गाना गा रही है इतना अच्छा वो कर रही है, ठीक है अगर तुम्हें वीडियो मिल जाए तो फरमानी नाज को एक फॉर्चुनर दे के जाना, आप गिफ्ट करके जाना क्योंकि आपको फ्री में प्रमोट कर रही है आपकी कंपनी को, तो फॉर्चुनर के लिए बात थी। लड़की में गोरी नागोरी को रखने की पूरी प्लानिंग चल रही है, भाई गोरी नागोरी का भी तकड़ा नाम चल रहा है, मतलब की पूरा आप हरियाणा में टच हो रहा है बिल्कुल पूरा पूरा ना। अच्छा आप क्या बोलते हैं कि हरियाणा वाला गाने में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर बॉलीवुड वाला में, कौन से में आपका ज्यादा दिल में है? सब गाने हमसे भी अच्छा लगे, अनुज भाई जिंदाबाद है जैसे भी दिमाग अनुज भाई कौन से अनुज भाई ये राइटर भाई हैं। हां यार हमने तुम्हारा पूरा फ्री करा के आ जाओ एक बार इधर, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं कोई दिक्कत है, ये एक राइटर भाई साहब हैं ठीक है अनुज भाई, ये जो भी लिख देते हैं वो चलता है, उस टाइम पे बहुत खुश हुआ जब ये एबीपीपी की न्यूज के अंदर वहां पे उनके साथ रुबीना लियाकत था ना उनके साथ इन्होंने वो वीडियो डाली, भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि यार फरमानी की ना उनके साथ न्यूज वालों के साथ जो बड़े चैनल है उनके स्टूडियो में ना सबके साथ में, तो बहुत ज्यादा आज तक अगर आगे तो अच्छा सुनो आज तक उनको क्या करना चाहोगे, आपका साथ दिया उन्होंने? मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत हेल्प की और बहुत ज्यादा पब्लिक से लड़े भी जिन्होंने ऐसा बोल दिया ना, तो बहुत उन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत सपोर्ट। हेडलाइन बहुत शुक्रिया, हेडलाइन टुडे आज तक जितना भी ये मीडिया ना न्यूज समझ ले भाई फरमानी का एक तरह से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई सच में है तो है, क्योंकि फरमानी को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, और सभी बहुत आसान मानते हैं लोगों का जिन्होंने चलाया, बहुत ही अच्छा किया, सब अच्छे लगे जितने मीडिया वाले सबने अच्छे जवाब दिए, अच्छे क्वेश्चन किए, जो फालतू की बातें कर रहे थे उनसे हमने उनको बचाया, क्योंकि भाई किसी को हम गलत फंसा नहीं चाहते कभी भी। तो भाई मैं तो कसम से अंजना कसर मेरी बहुत तकड़ी हुआ है ठीक है, लेकिन इनका साथ दिया भाई मजा आ गया कसम से, दिल खुश हो गया मेरा उस दिन जैसे आपको वीडियो देख रहा था, और फिर एक दिन आप पहले पहले जैसे जा रहे थे वहाँ पे स्टूडियो के आसपास में कहीं से हमारा एक रिपोर्टर भी आया था आपके सामने एकदम अचानक है ना, आगे तक ना वो हमारा हरियाणा का बहुत ही माना जाना पत्रकार है, वो ऐसे ही घूमता रहता है ऐसे ही आता रहता है, उसने बहुत वीडियो बनाता है ठीक है, तो वही बंदा वैसे सही है, तो मुझे अच्छा लगा कि यार ठीक है मजा आया यार, जो बंदा ऐसे नॉर्मली स्ट्रगल इनका बिल्कुल पूरे का पूरा ना इंटरनेट पे अपलोड हुआ सारे का सारा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार अच्छा लगता है तो मिलने आए
अगर ये वायरल नहीं होते तो कहाँ मिल पाते ना। और एक तो ये शंभ वाला गाया तो भाई कसम से सच कह रहे कि भोले ने एकदम भयंकर ही दुम्मा ठा दिया उसके अंदर कि आज तक करूँ का स्टूडियो में पहुँचा दिया एबीपी का ना, जो लोगों का सपना होता है ना, ड्रीम होता है इधर बैठे कसम से आप ना मतलब कि स्टार से भी ऊपर हो इस टाइम पे जहाँ तक मेरा मानना, क्योंकि एक तो स्टार को एक स्टार को दो चीज चाहिए ना, क्या चाहिए, बड़े चैनल जो है वो मिले आपको, बड़ा रियलिटी शो मिला आपको, स्टूडियो मिला, अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत कुछ है ना। और भाई ये चीज हुई है मेहनत के पीछे, सब मेहनत है, मेहनत करते हैं। और एक जो लड़कियां लड़के बोलते हैं कि हम भाई कुछ कर नहीं पाते, तो भाई इनको देखो एक बार कसम से आप खुद ना खुद कुछ ना कुछ करने की हिम्मत करेंगे और बहुत कुछ होगा। ये ऐसी सिचुएशन आई है ना, और अब हमने देशभक्ति जो बनाया ना हर हर घर तिरंगा, हम सरकार के थ्रू भी चलते हैं, अगर सरकार को अच्छी चीजें लेकर आती है तो उस पर सॉन्ग बनाते हैं, तो हर घर तिरंगा बनाया है, बहुत वायरल हमारा, 2 दिन में 2 मिलियन यूट्यूब पे है और 100-200 चैनल ने भी डाला हुआ है। सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, सरकार तो आपकी है, टेंशन ना लो, सरकार तो सरकार आप ही की है, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई अभी तिरंगा इनका जो गाना आया भाई बहुत ही अच्छा है और चल रहा है वहाँ पे, और मुझे लगता है कि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे ना तो आपको पहले मिलेंगे, मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि ना जब ऊपर वाली कृपया होती ना तो ऐसा ही होता सारे का सारा। तो भाई ठीक है, मजा आया। फरमानी जी मैंने आपको ना बोलने दिया कि ना नमस्ते कर रहे हैं राहुल भाई, हम बोल गए तो आप थोड़ी सी दो एक लाइन अपने अपने बारे में कुछ बोलना बोल दो, ठीक है फिर उसके बाद कट करना ही तो संदेश दे दो बस। तिरंगे के लिए कि सब हर घर तिरंगा लगाएं। अच्छा, इसका मतलब कि लिखा किसने? हमने लिखा। थोड़ा सा पीछे और भाई को भी साथ मान। उसमें सब एकता का संदेश है सारा, जो दुनिया में चल रहा। ये हर घर तिरंगा के राइटर हैं भाई, सॉन्ग के भाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं तो कोई कोई नहीं, मतलब कि इन्होंने परमानी जी ने फिर वो गाया तो बहुत ही अच्छा लगा भाई। अब तो भाई आप ऐसे ही सॉन्ग लिखते रहो और आप ना ऐसे ही गाते रहो और तरक्की करते रहो, आगे 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 आगे। और मैं तो चाहता हूँ आपके गाने में ना एक दिन इतना कर लो आपकी सकीरा डांस करे है ना, एक वो कौन सा जस्टिन बीबर वो गाए आपके साथ में इतना करो, सच कह रहे कि आपको मौका मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। जहाँ से आप जैसे कि आपने शुरू किया ना यहाँ तक आगे, तो कोई ना कोई शो ऊपर अपने जो इंडिया वाले ना उनको बुलाते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका उनके साथ परफॉर्म हो सकता है। और आई होप कि ये हो सकीरा और जस्टिन बीबर, और तुक्का लग गया तो रिकी मार्टिन है उसके साथ भी लग, और भी अच्छी बात है, जानते हो इनको? चल नोरा से भाई को मिलवाएं कभी, नोरा अच्छी पसंद आपको? चिंता मत करो, नोरा आपके गाने डांस करे, यहाँ टाइम टेंशन ना लो, बस ये भी होगा अगर ऐसे हिसाब से चलते रहे ना तो ये चीज हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोग ना क्लैब करते हैं, आई बात समझे, उनका कुछ प्रमोशन का होगा ना तो आपका जैसे चैनल बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली नोरा आपके पास आ जाएगी। नोरा दिस वीडियो फॉर यू, ठीक है, मैं तुझे बोल रहा हूँ नोरा, ठीक है नोरा, वैसे जानती है।